हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये लेक्चर 9 है। इसमें स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सम्स ऑफ मैट्रिक्स। सम्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स हैं। गिवन मैट्रिक्स ये है, ए बराबर ये है हमारे पास, A11, A12 डॉट डॉट A1 है, A21, A22 डॉट डॉट A2n, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का है। और दूसरा मैट्रिक्स भी जो है वो है एम क्रॉस एन का। बेसिकली जो मैट्रिक्स का सम जो है वो तभी डिफाइन होता है जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है या जो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन सेम ऑर्डर के, सेम उसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रैंक दोनों में सेम हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास डिफाइन होता है। यानी दोनों का सेम डायमेंशन जो होनी चाहिए एम क्रॉस एन होगी तो ही दोनों का सम डिफाइन होगा। और सम डिफाइन करने के लिए जैसे ए वन वन जो होगा इसके बी वन वन से करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उससे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स का सम ऐड कर सकते हैं। जैसे A12 जो होगा B12 से ऐड होगा। इस तरह से अगर A m1 की बात करें तो वो B m1 से ऐड होगा। तो इस तरह से सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो इस तरह से हम दोनों दो मैट्रिक्स का सम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाई एल्फा, कोई अगर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 स्केलर एल्फा, अगर एल्फा ये डिनोट करना हो तो हमारे पास एल्फा का अगर स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस एल्फा का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एंट्री से, मैट्रिक्स की हर एंट्री से, हर एलिमेंट से, इससे भी होगा, इससे भी होगा, एल्फा का मल्टीप्लाई हर एंट्री से किया जाएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सॉरी स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है गिवन ए एंड बी बिलो फाइंड 3A-2B, ए और बी दिया हुआ। तो पहले हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो 3 निकालने के लिए हर एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे 3 1 से हुआ तो 3, -2 से हुआ तो -6, इस तरह 5 से हुआ तो 15, इस तरह से हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बी में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये अब हमें माइनस करना है। तो माइनस के क्या और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस हो गया। जैसे 3 में से -10, तो ये हो गया -7। अब बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई, -6 -0, तो ये -6। इस तरह से 15 -25, तो 15 --25 22, तो ये हो गया 15 + 22, तो ये हो गया 37। इस तरह से हर एलिमेंट के लिए, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी बी द मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज एंड लेट एल्फा बीटा बी स्केलर्स, देन ए प्लस बी जो है बी प्लस ए, यानी कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव होगा, दोनों का सम जो है कम्यूटेटिव होगा। एल्फा ए प्लस बी, जो एल्फा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एल्फा ए प्लस एल्फा बी पे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस एल बी प्लस सी, यानी कि एसोसिएटिव होगा। एल्फा प्लस बी ए बराबर एल्फा ए प्लस बीटा बी, तो ये इस तरह से मैट्रिक्स के जो स्केलर्स पे भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ए प्लस जीरो, जहाँ पे जीरो जो बेसिकली जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि अगर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो जीरो भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री जीरो हैं और जो कि एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो वो भी ए रहेगा। अगर एल्फा बीटा ए कर रहे हैं तो उसको पहले हम एल्फा बीटा करके ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास सपोज कि दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इसलिए जब हम लीनियर मैपिंग की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो लेट टी ए बराबर आर पी टू आर एन एंड लेट टी ए बराबर आर एन टू आर एम बी ए लीनियर मैपिंग। इफ एक्स बिलोंग्स टू आर पी देन टी बी एक्स बिलोंग्स टू आर एन एंड दस वी कैन से टी ए टू टी बी एक्स, द रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा इस तरह से टी ए टी बी एक्स इन आर एन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स जो है बिलोंग्स टू आर पी, यानी यहाँ से टी बी जो है वो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स जो आएगा उसका जो कॉलम आएगा वो आएगा हमारे पास आर एन से। अब आर एन का जो है वो आर एन से डिफाइन है आर एम में। तो इस तरह से इफ एक्स बिलोंग्स टू आर पी देन टी बी एक्स जो है बिलोंग्स टू आर एन करेगा, तो टी बी एक्स बिलोंग्स टू आर एन करेगा, तो टी बी, अब टी ए टी बी एक्स भी निकाल सकते हैं, तो टी ए टी बी एक्स जो है वो
आर एम में होगा। हेंस ईच एक्स बिलोंग्स टू आर पी कैन बी मैप टू अ पॉइंट ऑफ आर एम। तो मतलब ये अगर एक्स बिलोंग्स टू आर पी यहाँ से है तो वो इस आर एम में मैप किया जा सकता है। तो बेसिकली वो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से किया जा सकता है, यानी कि टी ए डॉट टी बी एक्स बराबर जो मैं डिफाइन होगा ये होगा टी ए टी बी एक्स। तो इस तरह से कंपोजिशन बेसिकली इसको कंपोजिशन ऑफ टी ए एंड टी बी कहते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ टी ए टी बी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो बेसिकली टी बी एक्स, टी बी एक्स सपोज की एक मैट्रिक्स है बी, यानी उसका जो मैट्रिक्स है बी और एक्स जो है उसका वेक्टर है, यानी ये मैट्रिक्स है। तो उस कंडीशन में और इसको लिख सकते हैं हम टी ए एक्स को लिख सकते हैं ए बी एक्स। अब बेसिकली ये हो गए हमारे पास ए और इसके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी। तो ये होने के लिए हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसी को हम अगर ये भी लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि अगर ये स्केलर है तो ए बी एक्स। यहाँ पे हम कंपोजिशन ऑफ टू टी एंड टी बी का देख सकते हैं, बेसिकली एक्स टी बी एक्स यहाँ पे और ये टी बी एक्स से टी ए टी बी एक्स। और कंपोजिशन क्या कहता है, डायरेक्ट दोनों का कंपोजिशन कर देते हैं तो एक्स से डायरेक्ट टी बी एक्स एक मैपिंग बन जाती है। तो जो मैपिंग होती है वो हमारे पास बी ई वन की अगर बात करें तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन और ई वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो बेसिकली ई वन क्या होता है, ई वन बेसिकली होता है 1 0 0 एंड सो ऑन। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहले इससे होगा और फिर जैसे बी वन में जो एंट्री होंगी बी वन की जो बाकी की एंट्री होंगी उसका यहाँ से होगा। तो अगर हम देखें तो जो इसकी वाली एंट्री होगी यानी इस वाली फर्स्ट रो की एंट्री पे हमारे पास वन आएगा, सेकंड वाली रो की एंट्री पे भी वन आएगा, तो बेसिकली बी वन आ जाएगा। इसी तरह से एंड सिमिलरली अगर बी ई आई की बात करें तो वो किसके इक्वल होगे बी आई के, एंड देयरफॉर सी जो अगर सी की बात करें तो सी जो इस तरह से लिख सकते हैं फाइनल जो है ए बी वन प्लस सॉरी ए बी वन ए बी टू डॉट डॉट ए बी पी इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी ए एंड टी यू। दिस कंपोजिशन मोटिवेट टू द फॉलोइंग डेफिनेशन, इस कंपोजिशन की हेल्प से इस डेफिनेशन तक पहुंच सकते हैं। फोर ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन एंड बी बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस पी विद ए बी बराबर, इसमें ये हमारे बी वन बी टू डॉट डॉट बी पी ये वैक्टर से वी डिफाइन द प्रोडक्ट ए बी बाई द फॉर्मूला। तो ए बी के प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स बी वन ए मैट्रिक्स बी टू ए मैट्रिक्स बी पी, तो इस तरह से इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ए बी डिफाइन ओनली वेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी कि बेसिकली अगर एन एन इस तरह से हम एम क्रॉस एन लिखें तो सेकंड टर्म जो है वो सेकंड टर्म जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एन क्रॉस कुछ इससे स्टार्ट होना चाहिए। तो ये डिफाइन है और जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा एम क्रॉस पी, यानी एम क्रॉस पी जो फाइनल 12 की वाली जो रिजल्ट है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास फोर ए एंड बी, अब बिलो कंप्यूट ए बी एंड बी ए। तो बेसिकली हम पहले तो ये देखते हैं ए बी एंड बी ए जो है वो डिफाइन है नहीं, तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 1 2 3 4 4 का। तो यहाँ पे ए बी तो डिफाइन है, अब बी ए की अगर बात करें तो बी ए क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी के लिए तो हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 डॉट 3 क्रॉस 4, यानी ये सेम है तो डिफाइन है। बी ए की बात करें तो ये लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4 डॉट 2 क्रॉस 3, ये सेम नहीं है इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये जो है हमारे पास डिफाइन नहीं होगा। तो ए बी तो डिफाइन है, तो ए बी डिफाइन है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री ए बी फोर। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, तो बेसिकली इसका मल्टीप्लाई तो होगा इससे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। तो यानी ए का मल्टीप्लाई जब हमने ए से किया इस वाली रो से किया तो हमारे पास ये वाली आ रही थी, यानी ए
बी वन। तो इसी तरह से बाकी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं।